हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आप सभी का आपके अपने फिटनेस एंड न्यूट्रिशन चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम मनीष चौधरी। दोस्तों, आई होप कि आप सभी हेल्दी होंगे, फिट होंगे, दुरुस्त होंगे और आप सभी हेल्दी रहें, फिट रहें, इसीलिए मैं आप सभी के लिए इस तरह की वीडियो लेके आता रहता हूँ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे जिंजर के कुछ हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में और जिंजर हमारी ऑल ओवर हेल्थ के लिए कितनी बेनिफिशियल है, इन सभी के ऊपर बात करते हैं आज कि इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सर्दियों का मौसम चल रहा है और इसमें आपका खांसी, जुकाम, इंडाइजेशन, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं और जिंजर इन सभी को काफ़ी हद तक ठीक करने में एक अच्छा रोल प्ले करती है, ठीक है ना, वो भी एक नेचुरल तरीके से। और ये काफ़ी इफेक्टिव भी है क्योंकि फ्रेंड्स, ये इसका जो आपका जो जिंजर का जो नेचर होता है फ्रेंड्स, ये गर्म होता है और ये हमें सर्दियों में काफ़ी आराम देती है और हमें हेल्दी रखने में एक अच्छा रोल प्ले करती है। तो फ्रेंड्स, चलो इसके कुछ और हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, बात करते हैं जिंजर के कुछ और हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। फ्रेंड्स, जिंजर हमारे ब्लड सर्कुलेशन को भी इंप्रूव करती है, हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को भी इंप्रूव करती है और हमारी स्ट्रेंथ को भी बढ़ाती है। और फ्रेंड्स, जिन लोगों को आपका सर्दियों में आपका चेस्ट में आपका खांसी जुकाम की वजह से फ्रेंड्स जो कफ जम जाता है फ्रेंड्स, उसको भी निकालने में जिंजर हमारी हेल्प करती है। तो फ्रेंड्स, जिंजर को हम सब्जियों में डालकर, ठीक है ना, चाय बनाकर, ठीक है ना, और फ्रेंड्स इसका स्वाद जो है अपन जिंजर का फ्रेंड्स जो थोड़ा तीखा होता है, तो फ्रेंड्स आप इसको शहद में मिलाकर भी इसको खा सकते हैं, ठीक है ना, और इसके सभी जो आपके जो भी इसके न्यूट्रिएंट्स हैं आप इसको ले सकते हैं और आपकी हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं। अगर आप सर्दियों में, ठीक है ना, आप खांसी जुकाम इन सभी चीज़ों से आप परेशान रहते हैं, तो फ्रेंड्स आपके लिए एक इफेक्टिव तरीका है और आपके लिए एक नेचुरल एंड सेफ है। आप नेचुरल तरीके से आप अपनी खांसी जुकाम, आपकी आप अपने इंडाइजेशन को भी काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं और एक नेचुरल तरीके से। फ्रेंड्स, आप जिंजर को गर्म पानी में डालकर, ठीक है ना, 3-4 स्लाइसेस की गर्म पानी में डालकर इसको बॉईल करके, ठीक है ना, फिर इसको आप ठंडा करके जितना आप पी सकें फ्रेंड्स इसको पी सकते हैं। फ्रेंड्स, ये आपकी ऑल ओवर हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल, आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स निकालती है और आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट करती है आपको हेल्दी रखने के लिए। चलो फ्रेंड्स, बात करते हैं और किस तरह से जिंजर हमें हेल्दी रखने में अच्छा रोल प्ले करती है। फ्रेंड्स, जिंजर के अंदर आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं जो हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार की स्वेलिंग या पेन को ठीक करने में एक अच्छा रोल प्ले करती है, ठीक है। फ्रेंड्स, जो लोग आपका वर्कआउट करते हैं और मसल पेन होता है फ्रेंड्स, उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है आपका जिंजर वाटर। फ्रेंड्स, उनको काफ़ी इफेक्टिव रिजल्ट्स देता है अगर वो इसको आपका 1 वीक या 2 वीक इसको यूज़ करते हैं, तो फ्रेंड्स उनकी जो मसल पेन होता है ना एक्सरसाइज के दौरान फ्रेंड्स, उसको काफ़ी रिलीफ मिलती है और आप इसे प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट दोनों में ले सकते हैं, आपको काफ़ी इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे। जिंजर में आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिल जाते हैं जो हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स निकालते हैं और हम हेल्दी रहते हैं। तो जिंजर आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन और आपका फंगल इन्फेक्शन को दूर करने में भी एक अच्छा रोल प्ले करती है और हम हेल्दी रहते हैं। चलो फ्रेंड्स, बात करते हैं और किस तरह से जिंजर हमें हेल्दी रखने में एक अच्छा रोल प्ले करती है। फ्रेंड्स, ये आपके डाइजेशन को इंप्रूव करती है, आपके मेटाबॉलिज्म को भी इंप्रूव करती है और फ्रेंड्स, जो लोग आपका गैस, आपका ब्लोटिंग और आपका इंडाइजेशन से परेशान है और स्टमक पेन से भी परेशान है, तो फ्रेंड्स आपका जिंजर वाटर ले सकते हैं और जिंजर को लेकर फ्रेंड्स उसका रस निकाल के उसके अंदर आपका शहद को मिलाकर भी पी सकते हैं। फ्रेंड्स, को काफ़ी इफेक्टिव रिजल्ट देती है। जिंजर आपके हार्ट को भी प्रोटेक्ट करती है। काफ़ी स्टडी में पाया गया है कि जो लोग आपका 7 से 8 वीक जिन्होंने आपका जिंजर को अपनी डाइट में इंक्लूड किया था, तो फ्रेंड्स उनकी बॉडी में आपका ट्राइग्लिसराइड और आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है फ्रेंड्स, उनका जो लेवल था वो डिक्रीज हो गया था, ठीक है ना। और फ्रेंड्स, जो लोग आपका ब्लड शुगर से परेशान है, जिनका ब्लड शुगर ज़्यादा बड़ा होता है, जिनको भी डायबिटिक हैं फ्रेंड्स, उसमें भी काफ़ी सुधार हुआ आपका 7 से आपका 8 वीक अगर आप अपने डाइट में आपका जिंजर को कंज्यूम करते हैं फ्रेंड्स, आपको काफ़ी इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलते हैं। आप इसको किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं आप अपने आपके डेली आपकी डाइट में, जैसे कि आपका चाय में डालकर, सब्जियों में डालकर, और आप इसको आपका इसका काढ़ा बनाकर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको काफ़ी इफेक्टिव रिजल्ट देती है आपके हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है ना फ्रेंड्स, काफ़ी इफेक्टिव है आपके हार्ट के लिए, आपकी ऑल ओवर हेल्थ के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है आपका आपका जिंजर, ठीक है। आप इसको जरूर ट्राई करें। जिनको सूट नहीं करती आपका जिंजर, वो प्लीज़ इसको अवॉइड करें, और जिनको सूट करती है फ्रेंड्स, इसके काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स हैं, आप जरूर ट्राई करें, आपको काफ़ी इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है ना, आपकी ऑल ओवर हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी।